ब्लड सप्लाई ऑफ अ डेवलपिंग लॉन्ग बोन। तो अब मैं यहाँ पे डायफाइसिस बना रही हूँ, ये उसके बीच की मेड्यूलरी कैविटी, और ये रहा हमारा डायफाइसिस। ये थोड़ा सा ज्यादा ही एक्सपैंड हो जा रहा है, लेकिन ठीक है, समझने में थोड़ी सी हमारी आसानी होगी। ये हो गया हमारा डायफाइसिस, और उसके बाद ये हो गया हमारा एपिफाइसियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज, और उसके बाद ये प्रेजेंट हो गया हमारा एपिफाइसिस। तो अब यहाँ पे ये जो डायफाइसिस है, ये जो है उसका कॉर्टेक्स रीजन, और ये बीच में जो है प्रेजेंट है वो मेड्यूलरी कैविटी। अब इसके जो कॉर्टेक्स को, इसको एक ऑब्लिकली जो है फोरामेन इसके अंदर एंटर करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। अब ये न्यूट्रिएंट फोरामेन जो है इसे ऑब्लिकली काटता है, और इसके अंदर से एक आर्टरी आती है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी। अब ये न्यूट्रिएंट आर्टरी अंदर आने के बाद दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक ऊपर की तरफ जो जा रही है वो असेंडिंग ब्रांच, नीचे की तरफ जा रही है वो डिसेंडिंग ब्रांच, और फिर ये जो है पूरे डायफाइसिस, और फिर ये अंदर जाके और भी ब्रांचेस देती है। तो ये हमारी कौन सी आर्टरी हुई? न्यूट्रिएंट आर्टरी। अब ये जो न्यूट्रिएंट आर्टरी जा कहां रही है? मेड्यूलरी कैविटी के अंदर। तो सप्लाई किसको करेगी? सबसे पहले मेड्यूलरी कैविटी में जा रही है, तो मेड्यूलरी कैविटी को सप्लाई करेगी। इसके अलावा ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसका इनर टू थर्ड जो पोर्शन होता है उसको भी न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई करती है, इनर टू थर्ड ऑफ कॉर्टेक्स। उसके अलावा ये अब धीरे धीरे जाती है मेटाफाइसिस रीजन में, तो ये मेटाफाइसिस को भी सप्लाई करती है। तो इन रीजन को सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट आर्टरी। अब ये न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है वो मेटाफाइसिस में जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से हेयर पिन लाइक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, हेयर पिन लाइक बैंड। अब ये हेयर पिन लाइक बैंड में मैं इतना ज्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो हेयर पिन लाइक बैंड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है चिल्ड्रंस में ऑस्टियोमायलिटिस के लिए। अब एक बात बताइए, ये जो ब्लड आ रहा है इस बोन के अंदर, अब ब्लड के साथ साथ बैक्टीरिया भी आ सकता है। अब इस हेयर पिन बेल्ट के कारण क्या होता है, इसके अंदर जो है बैक्टीरिया ट्रैप हो सकता है, और उसके कारण बच्चों के अंदर ऑस्टियोमायलिटिस हो सकता है। अब ये बड़ों के अंदर क्यों नहीं होता? क्योंकि बड़ों के अंदर जो है ये एपिफाइसिस प्लेट ऑफ कार्टिलेज नहीं होती है, वहां पे डायफाइसिस जो है वो फ्यूज हो चुका रहता है एपिफाइसिस के साथ, और इसकी वजह से यहाँ पे ये जो आर्टरी आई है वो यहाँ से जो दूसरी आर्टरी आती है उनके साथ एनास्टोमोस हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, और वहां उनके अंदर हेयर पिन बैंड प्रेजेंट नहीं होता है। अडल्ट के अंदर ये हेयर पिन बैंड प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए उनको ये डिजीज नहीं होती। बच्चों में होता है, इसीलिए बच्चों को ये डिजीज होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेटाफाइसिस में ये जो है प्रेजेंट है हेयर पिन लाइक बैंड। अब ये मेटाफाइसिस को और भी आर्टरी सप्लाई करती है जिसे हम लोग बोलते हैं मेटाफाइसियल आर्टरी, मेटाफाइसियल आर्टरी। और अब ये जो आउटर हमारा आउटर मोस्ट लेयर डायफाइसिस की क्या थी? पेरिओस्टियम। तो पेरिओस्टियम को सप्लाई करती है पेरिओस्टियल आर्टरी, काफी सारी जो आर्टरी होती है और इसे हम लोग बोलते हैं पेरिओस्टियल आर्टरी। अब ये जो पेरिओस्टियल आर्टरी है ये पेरिओस्टियम को सप्लाई कर ही रही है, उसके अलावा आप लोगों ने देखा न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है इनर टू थर्ड ऑफ कॉर्टेक्स को सप्लाई कर रही है, तो बचे हुए वन थर्ड ऑफ कॉर्टेक्स को ये जो है पेरिओस्टियल आर्टरी सप्लाई करती है। पेरिओस्टियल आर्टरी जो है बोल्ट्समैन कैनल के थ्रू कॉम्पैक्ट बोन के अंदर एंटर करती है, और उसके बाद जो है ये आउटर वन थर्ड ऑफ कॉर्टेक्स को सप्लाई करती है। अब ये एपिफाइसिस को जो है एपिफाइसिस को सप्लाई करती है एपिफाइजियल आर्टरी, एपिफाइजियल आर्टरी। अब एक बात आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो एपिफाइसियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज है इसकी लिए कोई स्पेशल आर्टरी हम लोगों ने नहीं पढ़ी, तो इसको ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है? यही जो मेटाफाइसियल आर्टरी आ रही है, एपिफाइसियल आर्टरी आ रही है, यही जो है इस एपिफाइसियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज को भी ब्लड सप्लाई करती है। अब मैंने बताया था कि जब एक डेवलप्ड बोन में क्या होता है डायफाइसिस जो होता है वो फ्यूज हो जाता है एपिफाइसिस के साथ, वो
उस टाइम पे ये जो आर्टरीज है एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस कर जाती है, इसीलिए एक अडल्ट के अंदर ये हेयर पिन लाइक बैंड प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्या ब्लड सप्लाई है डेवलपिंग लॉन्ग बोन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग एक देख रहे होंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट आर्टरी जिस फोरामेन से एंटर कर रही है, जिसे हमने नाम दिया था न्यूट्रिएंट फोरामेन, ये मैंने ऑब्लिक डायरेक्शन में बनाया है और इस ऑब्लिक डायरेक्शन का एक इम्पोर्टेंस है। अब इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो न्यूट्रिएंट फोरामेन का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है ग्रोइंग एंड के, और न्यूट्रिएंट फोरामेन के डायरेक्शन को हम लोग याद करते हैं जिंगल से जो कि है टू द एल्बो आई गो, एल्बो आई गो फ्रॉम नी आई फ्ली। अब ये जो जिंगल है वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन को, न्यूट्रिएंट फोरामेन की डायरेक्शन को। अब इसे जरा समझते हैं, जैसे कि ये मेरा हाथ है तो ये एल्बो, टू द एल्बो आई गो, एल्बो की तरफ मैं जा रही हूं, तो मतलब यहाँ पे मेरी कौन सी बोन है, ह्यूमरस बोन। तो ह्यूमरस बोन में ये जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है, न्यूट्रिएंट फोरामेन की। अब न्यूट्रिएंट फोरामेन की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है ग्रोइंग एंड की। तो ह्यूमरस का ग्रोइंग एंड कौन सा होगा, ये अपर एंड ऑफ ह्यूमरस जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रोइंग एंड। अब वही रेडियस और अल्ना में देखेंगे तो टू द एल्बो आई गो, ये हुआ डायरेक्शन न्यूट्रिएंट फोरामेन का। तो ग्रोइंग एंड कौन सा हुआ, ये लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना जो है वो इंडिकेट करता है क्या, ग्रोइंग एंड। तो ये हो गया टू द एल्बो आई गो। अब इसी तरीके से हम लोग फ्रॉम नी आई फ्ली को भी समझ सकते हैं, इसे मैं मिटा दे रही हूं दो मिनट। अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये है हमारा पांव, कुछ दिख तो नहीं रहा है लेकिन ठीक है, ये हमारे नी। अब फ्रॉम नी आई फ्ली मतलब नी से हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन किसका, न्यूट्रिएंट फोरामेन का। यहाँ पे हमारी कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, फीमर बोन। तो फीमर बोन में न्यूट्रिएंट फोरामेन की डायरेक्शन ये है, तो उसका ग्रोइंग ऑन कौन सा होगा, ये वाला। तो लोअर एंड ऑफ लोअर एंड ऑफ फीमर बोन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रोइंग एंड को। इस रूल का जो एक एक्सेप्शन है वो है फिब्यूला। फिब्यूला जो बोन है ये जो है एक्सेप्शन है इस रूल में, क्योंकि फिब्यूला बोन के अंदर जो है न्यूट्रिएंट फोरामेन और ग्रोइंग एंड का डायरेक्शन सेम होता है। टीबिया में भी हम लोग ये रूल फॉलो कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने न्यूट्रिएंट फोरामेन का डायरेक्शन पढ़ लिया, ब्लड सप्लाई पढ़ ली। इसके अलावा जो है बात करें शॉर्ट बोन्स की, तो शॉर्ट बोन के अंदर होता क्या है, पेरिओस्टियल वेसल्स जो पेरिओस्टियल आर्टरी जो होती है वो नॉन आर्टिक्यूलेटिंग साइड से एंटर करके उसको ब्लड सप्लाई करती है। तो ये हो गया हमारा ब्लड सप्लाई ऑफ अ डेवलपिंग लॉन्ग बोन।